नमस्कार, मैं शालिनी आज केक बनाने जा रहे हैं। केक के लिए हमको चाहिए मैदा 1 कप, हम इसको छानेंगे। ये बॉर्नविटा लिया है, 1/4 कप बॉर्नविटा, एक चम्मच कॉफी, इसको छान लेंगे हम। ये छान लिया, मिक्स करेंगे इसे। ये चीनी मिलाई है, पिसी चीनी, ये करीब 1/2 कटोरी। अब इसमें 3 चम्मच बड़े चम्मच घी के डालेंगे। घी या तेल कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ मैं घी डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे। अब इसमें मैंने 1 कप दूध लिया है, ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा करके, मिलाऊंगी। यहाँ मैंने एक बर्तन में नमक रख दिया है, नमक गरम करने के लिए रख दिया, करीब 1 किलो नमक है। और एक बर्तन ले लूँगी, एल्यूमिनियम का बर्तन है ये, जिसमें मैं घी लगा लूँगी और बटर पेपर लगा दूंगी। बटर पेपर के ऊपर भी मैं घी लगा दूंगी। अब हम इसके ऊपर भी घी लगाएंगे। घी लगा दिया, थोड़ा सा ही लगाना है। और ये हमारा बैटर भी तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप। और इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और डालूंगी 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। इसको मिक्स करना है। देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होगी। मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया, करीब 2 कप दूध लगा, जिसमें से मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया। उसको मैं बर्तन में डाल रही हूँ, इसके टेस्ट को देखिए कितना स्मूथ पेस्ट है। और ये बचा पेस्ट भी इसमें डालने वाली हूँ मैं, ये डाल दिया। अब इसको सेट करूँगी थोड़ा सा खट्टा के, जिससे इसके जो बबल्स हैं वो इसमें ख़त्म हो जाएंगे। और ये नमक भी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं स्टैंड रख दूँगी। और इसके ऊपर मैं अपना ये टिन रखने वाली हूँ और इसको ढक दूँगी, करीब 15 मिनट के लिए ढक दूँगी, रखे रहने दूँगी इसे बेक करने के लिए। अभी ठीक सेट नहीं बैठा तो दोबारा से सेट कर रही हूँ। इसको ढक के रख दूँगी, करीब 15 मिनट बाद हम इसको देखेंगे। फ्लेम इसकी मीडियम ही रहेगी। सही बनाए, चेक कर लेते हैं एक बार। ये ऊपर आ चुका है, फूल गया है, तो चेक करते हैं ये हुआ कि नहीं हुआ। अभी 15 मिनट हमारे हो चुके हैं टूथपिक की सहायता से। अभी नहीं हुआ, अभी स्टिकी है, चिपक रहा है इसमें पेस्ट, अभी रेडी नहीं है। दोबारा से इसको हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए और ढक देंगे। 10 मिनट हो गए, अब हम चेक करते हैं। ये मैंने बिना स्टैंड के रख दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था तो मैंने स्टैंड हटा दिया। देख सकते हैं आप, ये चिपका नहीं है तो इसका मतलब हो गया है। दोबारा से दिखाती हूँ, देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम चाकू से दिखाएंगे, देख सकते हैं चाकू भी कितना साफ निकला है।
बिल्कुल नहीं चिपक रहा, सही बना है। गैस बंद कर दी हमने, अब हम इसको निकाल लेंगे बर्तन में से। इसको ठंडा करने के लिए हम 15 मिनट के लिए करीब रख देंगे, क्योंकि यदि हम इसको गर्म निकाल लेंगे तो ये हमारा टूट सकता है और निकलेगा नहीं, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा गर्म है, तो ये ठंडा हो जाएगा जब हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। ये ठंडा हो गया है, अब मैं इसको चाकू की सहायता से निकाल लेती हूँ। चारों किनारियाँ इसकी चाकू से छुड़ा लूँगी और इसको एक प्लेट में हम निकालने वाले हैं। ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। इसका जो बटर पेपर जो हमने लगाया था, इसको हम हटाएंगे, इसको धीरे धीरे, ये आसानी से निकल जाएगा। ये निकल गया, देख सकते हैं हमारा केक देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए काफी स्पंजी बना है।